लोग क्या कहेंगे। एक लेडी ने जिंदा मिसाल कायम की है कि अगर आप कुछ सोचते हैं या किसी चीज को ख्वाब देखते हैं तो सबसे पहले आपको इस सोच को बाहर निकाल के फेंकना होगा कि लोग क्या सोचेंगे। आपने इस ख्वाब को हकीकत में कैसे बदला? आपने इर्शाद ब्यूटी सलून, माशाल्लाह आज आपका नाम है। अभी से पहले मेरा ख्वाब था कि मेरा एक पार्लर हो और मैं पार्लर चलाऊं, पर फिर मेरी अनकरीब शादी हो गई। तो ये है हिना शहजाद, आइए जानते हैं इनकी कहानी इनकी जुबानी। लोग क्या कहेंगे, ये कहानी तो आपने सुनी होगी और ये लाइन भी सुनी होगी, लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे, ये प्रॉब्लम उनकी होनी चाहिए आपकी नहीं। और हर कहानी के पीछे एक हकीकत होती है और ये बात आपने सुनी और देखी भी होगी। और इसी तरह आप सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई ख्वाब जरूर देखा होगा और उसे हकीकत बनाने का भी सोचा होगा। और इसे हकीकत बनाने के लिए आपको हार्ड वर्किंग, स्ट्रगल, टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। इसी तरह एक लेडी ने जिंदा मिसाल कायम की है कि अगर आप कुछ सोचते हैं या किसी चीज को ख्वाब देखते हैं तो सबसे पहले आपको इस सोच को बाहर निकाल के फेंकना होगा कि लोग क्या सोचेंगे। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एक ऐसी शख्सियत ने जिसने अपने ख्वाब को एक हकीकत में बदला, उस चीज की एक मिसाल कायम की और उन्होंने अपने ख्वाब को हकीकत बनाया। आइए मिलते हैं हिना शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हिना शहजाद, आइए जानते हैं इनकी कहानी इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई आपने ये पार्लर इर्शाद सैलून क्या सोच रखते हुए खोला? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए कुछ बातों को बर्दाश्त और कुछ लोगों को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी होता है। ये बात बिल्कुल ठीक कही है आपने। तो आपने इस ख्वाब को हकीकत में कैसे बदला? आपने इर्शाद ब्यूटी सैलून, माशाल्लाह आज आपका नाम है, आज आपका ब्रांड है, तो आपने इर्शाद ब्यूटी सैलून, लोग आपको सोशल मीडिया पे नहीं जानते लेकिन जो आपके अनकरीब मोहल्ले वाले रिश्तेदार वो आपको बहुत अच्छे नाम से जानते हैं और आज आपकी पहचान है पूरे मोहल्ले में, पूरे कराची में माशाल्लाह से। तो आप बताएं आपकी कहानी की जो ये शुरुआत है ये कहाँ से हुई? शादी से पहले मेरा ख्वाब था कि मेरा एक पार्लर हो और मैं पार्लर चलाऊं, पर फिर मेरी अनकरीब शादी हो गई और फिर ये ख्वाब मेरा अधूरा रह गया। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करी, मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, मैंने कहा मेरा ये ख्वाब है कि मेरा एक सैलून होना चाहिए। तो हस्बैंड ने पहले तो मना किया, नहीं 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 होगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कोशिश करी, मैंने मोटिवेट हो गई कि मैंने कोशिश करी कि मैं करूंगी इस काम को, मैं करूंगी। कभी हस्बैंड से छुप कर, कभी कैसे, कभी रिलेटिव आ गए तैयार होने, कभी कुछ, फिर बस आहिस्ता 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 स्ट्रगल करना शुरू किया। तो हस्बैंड को भी थोड़ा लगा कि एक मिनट, पहले जो है ना सब ये बोलते हैं कि आपने जहाँ पहुंची है ना वहाँ सब पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जो पीछे की स्ट्रगल होती है, आपने कहाँ से शुरू किया, आपने क्या क्या मेहनत की, कितना टाइम दिया आपने इसको? काफी टाइम दिया, माशाल्लाह से 15 साल हो गए शादी को। हाँ, और शादी के बाद ही मैंने समझे कि बस ये कि 2 साल बस स्टार्ट ले लिया था मैंने कि बस करना है तो करना है। हाँ बस। स्ट्रगल कितनी की आपने? बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, रातों की नींद खराब की मैंने, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, बहुत मैंने मेहनत की। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड भी माशाल्लाह से बहुत खुश है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा। मैंने एक छोटे से रूम में अपना स्टार्ट लिया था, एक छोटा सा शीशा लगाकर, उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बड़ा बना पाऊंगी, पर मैंने कोशिश की कि और अल्लाह ताला ने मुझे देखो आज कामयाब कर दिया और आज माशाल्लाह से मेरा एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सैलून है। और ये कोशिश अभी भी जारी है, हमने रोकी नहीं, कोशिश अभी भी जारी है। अच्छा, और मजीद तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इर्शाद ब्यूटी सैलून, इस नाम के पीछे का मतलब और इस नाम का मतलब गहराई क्या है, डीप वर्ड क्या है? मेरी बेटी का नाम है। माशाल्लाह जी। तो भाई इनकी बड़ी बेटी है? एक मेरी बेटी है, एक ही बेटी है, इकलौती, और ये ही इनकी पार्लर की मालकिन है। बिल्कुल, ब्यूटी सैलून उन्हीं के नाम से स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल। और मतलब माँ जो होती है ना वो सबसे पहले अपने बच्चों को ही सोचती है कि मैं आगे बढ़ूं तो मेरे बच्चे भी साथ साथ बढ़े, और उन्होंने माशाल्लाह यही सोच रखते हुए अपना काम स्टार्ट किया कि अगर मैं कामयाब हूँ मेरी बच्चे और मेरी जो जितने भी बच्चे हैं वो सब साथ के साथ कामयाब, और उन्होंने इसलिए इर्शाद ब्यूटी सैलून किया। और आप लोग जो है मतलब हैरान होंगे कि मैं इनसे कैसे मिल गई हूँ, तो बताए मैं आपसे कैसे मिली? जी, मैंने इनके ब्लॉग्स देखे ही, कराची की लड़की ये बहुत जबरदस्त ब्लॉग्स बना रही थी और मुझे बहुत पसंद थी, मैंने इन्हें बहुत लाइक किया, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है ये और बहुत मेहनत कर रही है ये बच्ची, तो मुझे लगा कि इसे और मजीद आगे पहुंचाने के लिए इसका साथ देना चाहिए, इसके साथ खड़े होना चाहिए, तो मैंने इसे हायर किया, फिर मैंने बुलाया। इन्होंने मुझे पहली बात की है कि इन्होंने मुझे बताया कि मैंने जितनी लाइफ में अपनी स्ट्रगल किया ना, मैं अगर दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मैं खड़ी हूँ। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा काम आगे तक लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि व्लॉग्स में आपको पता है डेली रूटीन होती है, फिर आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या आ रहे हैं, तो आज मैं इंशाल्लाह इनके व्लॉग्स इंशाल्लाह होया करूंगी और
बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो आपके पीछे आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग हो, बहुत सारे ऐसे 90% होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अच्छे लोग ही मिले जिंदगी में, आपको बुरे लोग भी बहुत मिले, बहुत टकराए, क्योंकि बहुत टकराए, बहुत टकराए, ऐसे लोग तो बहुत टकराए कि बस जो कोशिश में लगे हुए कि किसी तरह नीचे गिर जाएंगे, और अप्रिशिएट भी नहीं करते, कुछ अपने ही है, कुछ कराए हैं। आज ही अपना ऐसा सैलून खोल के बैठी है ना, तो इसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल होती है, सालों की, एक साल दो साल की नहीं मेहनत होती, सालों की मेहनत होती है। और आज ही नहीं, इसी वजह से खड़ी है क्योंकि इन्होंने लोगों की बातों को इग्नोर किया, अपना काम आगे लेके गए कि क्या भाड़ में जाएं, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब अपनी फैमिली होती है ना साथ तो लोगों की फिक्र नहीं होती, क्यों, क्या लोग हमारे घर में राशन डलवा रहे हैं, क्या लोग हमारी मेहनत पे आगे बढ़ा रहे हैं, लोग ताली तक नहीं बजाते किसी, क्या अप्रिशिएटिंग नहीं करना जानते, लेकिन जो जिसमें बीता हुआ है वक्त वो जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं अप्रिशिएट करना। बस बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी बात, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अप्रिशिएट हुआ, इंशाल्लाह हम साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह। तो आइए जानते हैं इनकी स्ट्रगल भरी दुनिया में, इनकी स्ट्रगल भरी कहानी में किस किन लोगों ने इनका साथ दिया और कौन अभी तक खड़ा है, तो बताइए। जैसे कि मेरे हस्बैंड, माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, पहले तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी उनकी तरफ से, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इतनी कामयाब भी ना होती, मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया, हर जगह उन्होंने जहां जहां लगता था कि उन्हें देना चाहिए उन्होंने दिया मेरा साथ, और उसके साथ साथ मेरी छोटी बहन, वो तो माशाल्लाह मेरा बाजू है, समझे आधा पॉलर चलाना, समझे उन्हीं के हाथ में वो मेरा बाजू है, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इतनी मेहनत ना कर सकती, आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाई, इंशाल्लाह मुलाकात करवाएंगे उनसे भी, और मेरी अपनी फैमिली मेंबर्स जो मुझे लाइक करते हैं, दुआएं करी उन्होंने कि इंशाल्लाह कामयाब होंगी और मजीद कामयाब होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई आप मेरे फ्रेंड्स को इग्नोर करके अपनी फैमिली पर फोकस करें, आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी लेकिन सपोर्ट सिर्फ आपकी फैमिली करेगी, आपकी फैमिली करेगी, अप्रिशिएट सिर्फ आपकी फैमिली करेंगे, लोग आपके कामयाब होने पर आपके साथ होंगे, जब आपका स्ट्रगल मुश्किल वक्त चल रहा होगा कोई आपके साथ नहीं होगा। तो ये कहानी मैंने हिना की जुबानी सुना और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कभी हार नहीं मानी, अगर आप गिरी भी तो आप उठने की कोशिश की, और आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद का पावर करके बैठे, तो आपको इंशाल्लाह ऐसी मजीद वीडियोस के साथ इंशाल्लाह जो भी हमें अच्छा लगा है पॉलर में, जो आपका दिल चाहे वो आप करेंगे इंशाल्लाह, और हम इस पूरे पॉलर की आपको कहानी के साथ साथ आपको थोड़े थोड़े लुक्स भी दिखाते रहेंगे कि भाई क्या क्या है इनके पॉलर में, कितना बड़ा है क्या, और आप इस काम को आगे भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये बहुत आगे तक जाएगा इंशाल्लाह, ख्वाब अभी रुका नहीं है, वो मजीद आगे बढ़ेगा जारी है। तो आप लोगों को क्या इस स्टोरी का मॉरल क्या देना चाहेंगे कि लोगों को क्या सोच रखते हुए काम स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। बिल्कुल बेशक, बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस आपको मेरे, मैं कुकिंग व्लॉग्स तो आपको पता नहीं छोड़ने वाली, डेली व्लॉगिंग, तो डेली व्लॉगिंग के साथ साथ मेरे साथ इरशाद ब्यूटी सलोन हिना शहजाद भी ऐड हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपको पॉलर व्लॉग्स में मिलने वाले। तो आपको जिस भी सर्विसेज की जरूरत हो या आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पॉलर के हवाले से जानना चाहते हैं तो इन कॉमेंट सेक्शन आप लोग बताना मत भूलिएगा, मैं हिना शहजाद के साथ डिस्कस करूंगी और इनको वीडियो में लेकर आऊंगी और ये आपको खुद उसका हल बताएंगी, ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने रखा जाएगा। एंड ये कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ मुझे बहुत सारा याद रखे, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।